डिक्शन हर जबान में होती है, उर्दू में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। जैसे लोग बोलते हैं डिक्शन की अगर बात करें तो खान और खान दोनों को सेम बोलते हैं। खान बोलेंगे तो सरमे में सलमान खान, शाहरुख खान है ना, और खान बोलेंगे तो हीरे की खान, सोने की खान, इस तरह से। उसी तरह सब और शब, अगर सब बोलेंगे तो सब चीज, सब लोग, और शब बोलेंगे तो रात, जैसे तू ही मेरा शब है, हमारे यहाँ त्यौहार है शबे बरात, शबे कदर, शबे मेराज। कमर की बात करें, कमर मीन्स वेस्ट और कमर मीन्स चांद, जब यहाँ से आप बोलते हैं कमर, कमर मीन्स चांद। उसी तरह है सौ और शौ, सौ मतलब हंड्रेड एंड शौ मतलब लाश। तो शब्दों के, लफ्जों के अदायगी अगर थोड़ा सा भी गलत और सही कर देंगे तो मीनिंग पूरा बदल जाता है। जैसे गम और गम, गम जो है अंग्रेजी का वर्ड है, गम मीन्स चिपकाने वाला कोई भी चीज, फेविकॉल, फेविक विक वगैरह वगैरह, और गम तेरा गम मेरा गम उदासी। बेड एंड बेड अंग्रेजी की भी अगर बात करें तो कुछ लोग बोलते बेड और बैड में फर्क नहीं समझते, वो बोलते मैं बेड पर्सन हूँ, बेड नहीं बैड होता है। तो बैड बोलेंगे तो बुरा और बेड बोलेंगे तो बिस्तर। तो इन शब्दों को, लफ्जों को आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ध्यान देके ही बोलना है। खान मतलब हीरे की खान, सोने की खान, खान सरनेम, सब सब चीज, शब रात, कमर वेस्ट, कमर चांद, सौ हंड्रेड, शौ लाश, गम चिपकाने की